झारखंड में राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है। सूबे के सीएम हेमंत सोरेन और उनके करीबियों पर ईडी के लगातार हो रहे एक्शन ने प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया है। ऐसे में अगले कुछ दिनों में सूबे का नेतृत्व बदलने की संभावना तेज हो गई है। यानी सरकार तो सोरेन की होगी, लेकिन इसका चेहरा हेमंत सोरेन नहीं कोई और होगा। इसी को लेकर हेमंत सोरेन के आवास पर सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन के विधायकों की बैठक बुलाई है। इस बैठक और इस पूरी कवायद के पीछे सबसे दिलचस्प बात यह है कि झारखंड में बिहार वाले सियासी इतिहास को दोहराए जाने की संभावना है। ये कयास जोरों पर है कि हेमंत सोरेन भी झारखंड में लालू यादव की राह पर चल सकते हैं। चर्चा है कि इस बैठक में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को गठबंधन का नया नेता चुने जाने पर सहमति बनाई जा सकती है। मंगलवार को सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन को अपने आवास पर बुलाकर मौजूदा घटनाक्रमों को लेकर चर्चा भी की थी, जिसके बाद से ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि हेमंत सोरेन लालू की तरह ही अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। बता दें कि 1997 में बिहार के तत्कालीन सीएम लालू प्रसाद के खिलाफ जब चारा घोटाले में सीबीआई ने शिकंजा कसा था, तब लालू ने विधायक दल की बैठक बुलाकर खुद की जगह अपनी पत्नी राबड़ी देवी के नेतृत्व पर सहमति बनाई थी, जिसके बाद राबड़ी देवी ने बिहार सीएम की कुर्सी संभाली थी। लालू की तरह ही हेमंत सोरेन भी जमीन घोटाले को लेकर ईडी के शिकंजे में फंसते नजर आ रहे हैं। हेमंत सोरेन को ईडी ने जमीन घोटाले में बयान दर्ज कराने के लिए अब तक 7 समन भेजे हैं। वो किसी भी समन पर हाजिर नहीं हुए। ईडी ने 7वां समन 29 दिसंबर को भेजा था। इसे एजेंसी ने आखिरी समन बताया था। इसमें कहा गया था कि वो 7 दिनों के अंदर ईडी के समक्ष बयान दर्ज कराने के लिए उपस्थित हों। ईडी की ओर से बयान दर्ज कराने के लिए दिया गया 7 दिन का वक्त 5 जनवरी को खत्म हो जाएगा। इसके बाद वो जांच में असहयोग का हवाला देकर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट से वारंट हासिल कर सकती है। ऐसी स्थिति में झारखंड में सत्ता बरकरार रखने के लिए बिहार में सालों पहले आजमाए गए लालू राबड़ी मॉडल को अब झारखंड में दोहराने की तैयारी चल रही है। और ऐसा हुआ तो आने वाले दिनों में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन झारखंड सीएम की कुर्सी संभालती नजर आएंगी। माना जा रहा है कि इसी गांडे क्षेत्र से जेएमएम विधायक सरफराज अहमद ने सोची समझी रणनीति के तहत इस्तीफा दिया, ताकि इस सीट पर भविष्य में कल्पना सोरेन को चुनाव लड़ाया जा सके। आपको बता दें कि 1976 में रांची में जन्मी कल्पना सोरेन ने अपनी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई रांची से ही पूरी की है। कल्पना मूल रूप से ओडिशा के मयूरभंज की है। 7 फरवरी 2006 को उनकी हेमंत सोरेन के साथ शादी हुई थी। उनके 2 बच्चे हैं, निखिल और अंश। कल्पना एक बिजनेस वुमन है। वो एक प्ले स्कूल का संचालन भी करती हैं। और सियासी अटकलें सच साबित हुई तो जल्द ही कल्पना सोरेन झारखंड की मुख्यमंत्री भी बन जाएंगी।